स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका स्पार्क कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में और हम सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो आज का हमारा चैप्टर है टाइटल टैग। ऑन पेज एसईओ करने के लिए सबसे पहले हमारा जो चैप्टर निकल कर आता है वो है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग क्या होते हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है और पोस्ट जब भी हम कुछ लिखते हैं एसईओ से रिलेटेड तो उसमें टाइटल टैग का कितना अहम योगदान है। तो टाइटल टैग की बात कीजिए तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फर्स्ट फैक्टर ही यही है, टाइटल टैग। अगर आपका ब्लॉग का जो टाइटल है वो रिलेवेंट है कीवर्ड से तो ये बहुत ही इजी हो जाता है वेबसाइट के लिए, क्योंकि गूगल पर रैंक करने के लिए आपको ऑन पेज एसईओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली होती है। अब टाइटल टैग क्या होता है, देखिए टाइटल लिखा आपने, नॉर्मली हम ये करते हैं बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरीज, जो हमारा मेन टाइटल है। अब टाइटल क्या है, देखिए ये रहा 10 बेस्ट इंस्पिरेशनल शॉर्ट स्टोरीज, दिस इज अवर टाइटल टैग। जैसे मैंने क्या लिखा था अभी, बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरीज, मेरा ये था कि मैंने ये सर्च किया है, राइट हमने सर्च ये किया था बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरीज और हमारा रिजल्ट क्या आया, देखिए ये टाइटल है हमारा द बेस्ट इंस्पिरेशनल शॉर्ट स्टोरीज। इसके अलावा 30 मोटिवेशनल स्टोरीज टू पुश योर फॉरवर्ड इन लाइफ। तो आप ये टाइटल देख सकते हैं कि ये देखिए टाइटल में यहाँ पे मेरा जो ये कीवर्ड है ये यूज हो रहा है। उसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं ये हमारा टाइटल के बाकी चीजें। सो ये भी आप देखिए, ये नेक्स्ट टाइटल है हमारा 23rd बेस्ट इंस्पिरेशनल शॉर्ट स्टोरीज विद मोटिवेशन मोटिविंग मॉडल। अच्छा, ये हमारे सारे टाइटल्स होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, टाइटल्स होते हैं। ओके टैग, तो आप टाइटल टैग जब भी लिखते हो तो टाइटल लिखोगे, इस टैग को बंद करके ये जो टाइटल नजर आ रहा है ये लिखेंगे। क्योंकि आप वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर यूज कर रहे हैं तो आप कोडिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, आपका सिंपली आपको जो है वहाँ पे बॉक्स आता है लिखा हुआ ब्लॉगर और वर्डप्रेस में, वहाँ आपको टाइटल्स लिखने होते हैं। तो आप कुछ टाइटल्स की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरीज, ओके, और यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आया है तो मैं सबसे पहले जो हमारा टॉप पे है वो खोलूंगी। देखिए ये तो बेस्ट इंस्पिरेशनल शॉर्ट स्टोरीज है, बट मोटिवेशन का मतलब ही इंस्पिरेशन है, सो इंस्पायर करने वाली स्टोरीज, सो मैं इस पे क्लिक कर दूंगी। ओके, इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ और आता, देखिए यहाँ पे जो डाउन करेंगे हम यहाँ पे और भी ज्यादा हमारे पास सर्च रिजल्ट में आ चुके हैं चीजें, यहाँ पे शॉर्ट से इंस्पिरेशनल जो भी मेरे इस कीवर्ड से रिलेवेंट है ना वो सब हमें अभी गूगल के द्वारा दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे एक कॉमन सी चीज आपको देखने को मिलेगी, जो हमारे ये टाइटल से ये बहुत शॉर्ट है, 10 वेरी शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज विथ मॉरल इंस्पिरेशनल लाइफ, ये जो है चैनल का, ये जो है वेबसाइट का नेम है। इसके अलावा शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑल टाइम शॉर्ट स्टोरीज, सो देखिए 30 मोर स्टोरीज टू पुश योर फॉरवर्ड इन लाइफ, ये जो है टाइटल ये बहुत बड़ा टाइटल है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 डॉट आप देख रहे हो, यानी कि इसके आगे भी है, यहाँ पे भी आप 3 डॉट देख रहे हो इसके आगे भी है, बट फिर भी क्योंकि गूगल पर ये रैंक कर रहा है फर्स्ट पे, लोगों की ज्यादा इंगेजमेंट इससे बनेगी क्योंकि ये फर्स्ट पे रैंक हो रहा है। बट अब जो है गूगल की बहुत सारी कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, देखिए ये जो है ये वर्डप्रेस पे लिखा गया है और ये ब्लॉगर पे लिखा गया पोस्ट है, लेकिन देखिए दोनों जो है रैंक कर रहे हैं गूगल के टॉप पर। तो कई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम क्या हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएं तो हमारा ब्लॉग रैंक करेगा, या क्या हम ब्लॉगर पे बनाएं हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगी कि दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है, बशर्ते आप मेहनत कितनी करते हो उस पर, स्मार्ट वर्क कितना करते हो। तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि देखिए ये भी हम, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है एंड ये ब्लॉगर की वेबसाइट है। ओके, सो दोनों ही आप देख सकते हो दोनों टॉप पे आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्डप्रेस टॉप पे आता है, ब्लॉगर भी आता है। और ये जो पोस्ट है इन दोनों ने एक सेम वे में लिखा है, कि जो इनका टाइटल है टाइटल में इन्होंने ज्यादा बड़ा कर दिया है टाइटल। देखिए यहाँ पे कुछ टिप्स मैंने बताई हुई हैं, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जो आपका टाइटल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टाइटल जो है वो आपके कीवर्ड को टारगेट कर रहा होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया मोटिवेशनल स्टोरीज को टारगेट करना होना चाहिए। उसके अलावा ऐड फेमस वर्ड्स, आप उसमें फेमस वर्ड्स ऐड लिख कर सकते हो, जैसे मैंने किया बेस्ट या इम्पॉर्टेंट मोटिवेशनल स्टोरीज, मोस्ट
इम्पोर्टेंट स्टोरीज या हेल्पफुल स्टोरी, जो लोग हैं, जो लोग आने वाले हैं आपकी वेबसाइट पर, तो लोग क्या है, जब भी आपके पोस्ट को देखेंगे तो ये जो रिव्यू, बेस्ट, टॉप, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्लिक बेट करवाते हैं। क्लिक बेट का मतलब है कि वो टाइटल को देख के क्लिक करें आपके कंटेंट को देखने के लिए। सो क्लिक बेट करते हैं इन सभी चीज़ों से। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं जीरो से लेके नंबरिंग, आप नंबर सिस्टम ऐड कर सकते हैं इसमें। आप अभी मैंने आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाया था कि उसमें लिखा था 40 मोटिवेशनल स्टोरीज, 20 मोटिवेशनल स्टोरीज। सो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग हैं, जो लोग देखने वाले हैं, आप जो लोग सर्च कर रहे हैं कंटेंट को, अगर उनको न्यूमेरिकल कुछ वर्ड दिखता है तो वो उस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल देखने में उनको पता चलता है कि यार 10 कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, 15 कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, या 30 कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मूवीज़ हैं, या 30 कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो मैं देखने वाली। ये एक साइकोलॉजी फैक्टर है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इससे टेक्निकल एसईओ का रिलेशन नहीं है भाई, टेक्निकल एसईओ का नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। आप चाहे उसमें 30 डाल दो, 50 डाल दो, आपका पोस्ट बड़ा होना चाहिए और उसमें कुछ रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए कीवर्ड से, ओके। इसके अलावा आपका जो टाइटल है वो आप 30-35 कैरेक्टर्स के बीच में ही लिखे, ज़्यादा बड़ा टाइटल मत लिख दो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा बड़ा देखने में भी और रैंक करवाने में मुश्किल होता है। सो यहाँ तक आपको समझ में आया कि टाइटल टैग्स क्या हैं और किस तरह से हम अपने टाइटल्स देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, तो यहाँ तक के लिए हमारा चैप्टर फिनिश होता है।